कदम पानी पे हूँ। थी तो मर जाएगी, तड़प रही थी तो हमें क्या, हमें पैसे मिलेंगे, बताओ मुब्बा को। नहीं नहीं मत बताना यूसुफ। डरपोक। डरपोक तो नहीं हूँ। ऐ तू देख मैं कैसे जाके मछलियाँ पकड़ता हूँ। मुबारक, तेरे को बैठने के लिए लाए, उधर इधर आओ। आया अब्बा। वो बाल्टी उठा के ला। मुबारक किधर देख रहा है? कुछ नहीं अब्बा। काम करो। क्या कर रहे थे? मोती ढूंढ रहा हूँ। मोती? कहाँ है मोती? सीपी में है। सीपी में है? क्या देखा? पागल, मोती ढूंढेगा तू? तुझसे मछली ढूंढने नहीं जाती, तू मोती ढूंढेगा? ढूंढ लूंगा, एक दिन ढूंढ लूंगा मोती। ये देख ये पैसे। मोती वोती कुछ नहीं होता, पैसा ही है सब कुछ। ये ले हाथ लगा के देख। बू आ रही है। मुझे हर चीज से बू आ रही है, नोटों से कभी बू नहीं आती, समझा तू? बहुत सारी नोट जमा कर रहा हूँ, एक दिन सरदार बन जाऊंगा। सरदार बनेगा फिर क्या करेगा? बहुत सारी बंदूकें लूंगा और गाड़ियाँ भी लूंगा और यूं बंदूक चलाऊंगा डस डस। और अगर कोई मर गया तो? तो मर जाए। कितना गोली लगा? पता नहीं। खुदाया, लगता है फिर कोई मार गया। हाँ फिर से झगड़ा हुआ, असला था ना? पता नहीं इतना असला आ कहाँ से जा रहा है, रोटी तो आती नहीं। इन मर्दों को कौन समझाए, हम औरतें नहीं नहीं समझा सकती। इनको लगता है सारी मर्दानगी मौत में, जिंदगी में नहीं। It's beautiful. Yes, it is. लोग कैसे हैं यहाँ के? जितनी खूबसूरत यहाँ की जमीन है इतना ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। खुददार, जाबाज, दिले। मुझे पहले पता होता कितना खूबसूरत है ये इलाका और यहाँ के लोग तो मैं पहले यहाँ आ जाती। देर आई पर दुरुस्त आई। सो गई है जर्मीन? हाँ रास्ता लंबा था, थक गई है, सो रही है। What do you think? रह लेगी यहाँ? माँ रह लेगी तो बेटी भी रह लेगी।
सर टायर फट गया सर, सब खैरियत है। पापा हैज अ गन? इट्स अ टॉय बेबी। आई एम सो स्टे इन द कार। अरे यार ये है हमारा घर। मुझे वापस कराची जाना है, ये घर बहुत खराब है। लेकिन बाबा यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे, कराची में नहीं। बाबा के साथ रहना या कराची में? हाँ लेकिन यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं है। मिल जाएंगे फ्रेंड्स, हाँ मिल जाएंगे। आ जाओ। और तुम्हें पता है चारों तरफ पहाड़ है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। You know that? And there are all sorts of birds. You'll love it. And that's the view. हो जाएगा गुजारा। सनसेट सनराइज देख देख कर तुम्हारा तो हो जाएगा। आर्टिस्ट हो बट जर्मीना का शायद ना हो। उसका भी हो जाएगा, बस एक दोस्त की जरूरत है उसे। क्यों जर्मीना? राम क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रही सब। किधर ध्यान है तेरा? माँ मेरा अब्बा के साथ काम करने का दिल नहीं चाहता। क्यों? मेरे हाथों में से मुश्किल का बू आता है। आदत हो जाएगा, यूसुफ भी तो जाता, उसको कोई बू आता है? पर जब भी मैं सबर पड़ता तब भी मेरे हाथों से बू आता है। जहाँ मैं सिपारा पढ़ता हूँ ना उधर एक स्कूल भी है, बहुत तो बच्चे पढ़ते हैं, उधर पढ़ना है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर फिर मुझे मछलियाँ नहीं पकड़नी। क्यों नहीं जाएगा मछली पकड़ने? क्यों नहीं जाएगा? अभी छोटा है ना, बड़ा होके तो जाएगा तेरे साथ मछलियाँ पकड़ने। बड़ा होके जाएगा, यूसुफ जाता है इसको क्या तकलीफ है? अम्मा ये अम्मा का लल्ला है। सपारा पड़ता है ना तो बदबू आता, मौलवी साहब ने भी मना किया। तेरे को मैंने मना किया, इसको सिपारे में नहीं भेजो। तौबा तौबा, मुसलमान नहीं है तेरा बच्चा, बेदीन रखेगा उसे। एक साल इसको चाय के होटल में बिठाऊंगा, उसके बाद मच्छी पकड़ेगा। जो काम बाप करता वही बच्चा करेगा। मेरी तरह ये यूसुफ बाप का हीरा हीरा सिपारे पे जाएगा। यूसुफ अब्बा का हीरा है, फिर मैं क्यों? तो लाल है नाक तेरा, लाल। मेरा
अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। ईमान सलामत सलामत। हुक्म। पानी है यहाँ पे पीने के लिए? पीने के लिए भी और गाड़ी में डालने के लिए भी चाहिए, गाड़ी जरा गर्म हो गई है। वो उधर पीछे ड्रम में पानी मौजूद है। थैंक यू। इन्हें के लिए चाय लाऊं? नहीं, ये अभी चाय नहीं पिएगा, अभी ये इधर ड्यूटी पर है। तुम जाओ अपना काम करो, शाबाश। क्या कर रहे तू? हवा निकाल रहा हूँ टायर की। क्यों? मेरी मर्जी। मत कर। तेरे बाप की गाड़ी है? नेवी वालों की है। छोड़। शोर मचाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम चिल्लाए थे, क्या हुआ? सांप देखा था। कहाँ, तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं। जूता पहना कर इस तरह नंगे पांव फिरेगा तो सांप तो काटने आएगा ही। ये कौन से लोग? अफसर बनना पड़ता है इसके लिए। वो कैसे बनते हैं? पढ़ लिख। चलो सांप मिला? वो भाग गया। चलो तुम्हारे लिए गुलाब लगवा रही हूँ, तुम्हें पसंद है ना? लेकिन ये कब निकलेंगे? जल्दी। अच्छा, मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ। बस यहीं रहना। ओके। कितने दिन में निकल आएंगे? तेरम। मैं जरमीना हूँ। जरमीना, कौन है वहाँ? किससे बात कर रही हो तुम? बहराम। वहाँ तो कोई नहीं है, आओ तुम यहाँ आ जाओ। मेरे कदम पानी पे हूँ, नाम मेरा कहानी में हूँ। अम्मा, मैं वर्दी वाला पौजी नहीं बन सकता क्या? बाप के सामने ना ये बात कर देना कभी। मेरा दिल चाहता मैं पढ़ लिख कर बूट पहनूं लंबे वाले और अब सर बन जाऊं गाड़ी वाला। वो आम नहीं बन सकता। हम गरीब हैं इसलिए। जब जानता है तो पूछता क्यों? चल अब सो जा, सुबह देर से काम पे जाएगा तो सबका तो नाराज है। कदम
मेरा कहानी में हो। कितनी मर्तबा तुमको बोले हाथ तेज चलाया करो, लेकिन मजाल है तुमको हमारी बात का असर हो। अगर कल तुम देर से आया तो हम तुमको दुकान से फारग कर देगा। समझा क्या हमारा दुकान को? तुम्हारा बाप का दुकान है क्या? जल्दी करो। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। ईमान सलामत, बस आपकी दुआ है। ये बेगम साहिबा? हाँ, ये मेरी बेटी और मेरी बीवी है। फैमिली ले आया हूँ यहाँ, और आज मेरी फैमिली तुम्हारी चाय पीने आई है, कड़क वाली। हमारा खुश नसीबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईमान सलामत, अभी लाया। तो यहाँ पीने आते हो तुम चाय? हाँ, आते जाते हुए। यहाँ इसी तरह की मसरूफियत है, तुम भी कर लो ये एडवेंचर रोड साइड कैफेटेरिया का। ये जाकर साहब को पेश करो तमीज से, ठीक है? और सुनो, पैसे मत लेना। शाबाश, जाओ। आराम से देख। वाह, चाय और ये मौसम। कुछ और चाहिए सब? तुम्हारा नाम बहराम है जी? तुम आए थे हमारे घर? नहीं, आए थे। क्या हो गया? Zameena told me that he was standing outside our house. So he must be going in front of our house. सिबगतुल्ला के बेटे हो? नहीं। पढ़ते हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि मैं गरीब हूँ। ये लो चाय के पैसे। चाय के लिए कहा है कि तोहफा है। तो फिर ये तुम रख लो। नहीं। अच्छा भाई, गरीब क्या होता है? गरीब जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो गरीब होता है। बहराम क्यों गरीब है? बहराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। बहराम क्यों छुप रहे हो? कौन बीमार है? मेरी अम्मा। ये मेडिसिन्स हैं, डिस्पेंसरी से मिल जाएंगी और फ्री में मिल जाएंगी। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी बाजी, बहुत मेहरबानी। तुम इसे पढ़ाती क्यों नहीं? हम लोगों के पास वसाइल नहीं है बाजी। तुम्हें पता है यहाँ नेवी का स्कूल है, फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। बाजी पढ़ता होगा, पर हमारे कबीले से कोई पढ़ता ही नहीं। तुम बहराम को पढ़ा दो, कबीले के बाकी बच्चे भी पढ़ने लगेंगे। हम चलता बाजी। आपने बूट पहने? कभी कभी। मेरे दोस्त बनोगे? मैं लड़कियों को दोस्त तो नहीं बनाता।
क्यों? मेरी अम्मा मना करती है। बहराम भागना मत। क्यों भाग रहे थे? आओ अंदर आओ। बैठो। तुम कुछ खाओगे? नहीं मम्मी, बहराम लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे अब्बा से बात करें। नहीं नहीं, वो मारेगा। क्या करते हैं तुम्हारे अब्बा? वो मजदूर है, कश्ती पे काम करता है। हम करेंगे तुम्हारे अब्बा से बात। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मेरे खिलौने देखोगे? बहराम कहाँ है? कहाँ है, अभी तो यही था। बाजी साहब के जूते नहीं है। अंदर ले गए होगे तुम? नहीं, मैं तो अंदर नहीं लेकर गया। जूते कहाँ जाने हैं, यहीं होंगे? ढूंढो कहीं, रख के भूल गए होगे तुम। बहराम क्यों चला गया? ये जूते कहां से मिले तुझे? रास्ते में मिले थे। कौन से रास्ते पे? अम्मा मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, नेवी वाला लग रहा हूँ ना। संभाल के, गिर जाएगा। नहीं गिरता। बेवकूफ, थोड़ी अकल कर, क्या कर रहा है? फौजी ने दिए। घर के अंदर से मेरे बूट्स गायब हुए कैसे? मेरे सर्विस बूट्स की परवाह नहीं की तुमने, इतनी लापरवाही दिखाई। सर मैं ढूंढ रहा हूँ। ढूंढना नहीं है, मिलने चाहिए मुझे, जहां से भी लाओ जाओ। पैनिक क्यों कर रहे हो? बूट्स ही तो हैं। मेरे यूनिफॉर्म का हिस्सा है वो, और इस तरह कोई चीज गायब हुई कैसे? सर वो बूट मिल गए। कहां से मिले? तुम अंदर जाओ। बहुत शर्मिंदा हूँ साहब इसने जो किया। हमको जो सजा इसको देना है दो। इसने जो किया हमने नहीं सिखाया इसको। क्यों उठाया था तुमने बूट्स? नेवी वाले बनना चाहता था, यूनिफॉर्म और बूट पहनना चाहता था। चुप, चुप करो, चुप। इस तरह चोरी करके तो नेवी वाला नहीं बन सकते ना बेटा। इन बूट्स को पहनने वालों की बहुत इज्जत ऑनर होती है, और वो ऑनर ये है कि वो गलत काम नहीं कर सकते, समझे? पढ़ाते क्यों नहीं तुम इसे? हम लोग इधर रिवाज नहीं है पढ़ाने का। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करता है, घर चलता है, पढ़ाने का शौक किधर से पाले? हम
को कौन सा अफसर बनना है? क्यों नहीं बन सकते अफसर? शर्मिंदा हूं साहब, ये बूट वापस करने आया था और माफी मांगने आया था। जाता हूं। चलो रे, सजा के बगैर इसे नहीं जाने दे सकते। तुम्हारी सजा ये है कि तुम पढ़ोगे, फिर यूनिफॉर्म और ये बूट्स हासिल करोगे। ओके, शाबाश। वो पढ़ा देंगे तो पढ़ने दे। और कबीले वाले का बातें सुनवा, इधर लोग फौज में जाने को पसंद नहीं करते। वो इसलिए कि कबीले से कोई फौज में जा नहीं सकता, वरना अगर किसी का बच्चा अफसर बन जाए तो किसको बुरा लगेगा? तेरे को कैसे पता तेरा बच्चा अफसर बनेगा? अफसर नहीं बनेगा, अफसर का मुलाजिम बनेगा। बूट नहीं पहनेगा, बूट पॉलिश करेगा। गरीब का बच्चा कभी अफसर बने? बने कभी अफसर? किस्मत का पता है कुछ? और कहां लिखा है कि हमारा बच्चा अफसर नहीं बन सकता? मेरा दिमाग खराब नहीं करो, इसको पढ़ने के लिए भेजो, खुद रोटी से भी जाओ। हाँ तो मैं कुछ कर लेती। तो हालत देखा तुमने अपना, तुम काम करेगा? तुम मर कब जाना? मैंने और तूने भी बस ऐसा ही चलता रहेगा, हमारा बच्चा मजदूर का मजदूर ही रहेगा। तब दिमाग खराब नहीं करो, कबीले वालों को कौन जवाब देगा? चलो उठो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, शाबाश, हटो। तू क्यों पढ़ना चाहता है बेरा? अफसर बनना चाहता हूँ। कोई नहीं बनता अफसर, वह इतने बच्चे पढ़ते हैं, क्या सब अफसर बन जाएंगे? मगर मैं तो बनूंगा। पागल, मुश्किल होती है पढ़ाई, वक्त जाया होता है, इतनी सख्ती करते हैं। तू मेरे और अब्बा के साथ मछलियाँ पकड़ने चला कर, अमीर हो जाएंगे हम। मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे नेवी वाला बनना है। नेवी वाला बनकर क्या करेगा तू? मुल्क की हिफाजत करूंगा। ये किसने कहा तुझसे? मैंने उल्ट सोचा है। पागल, चौकीदार बन जाएगा, बंदूक लेकर बाहर खड़ा हुआ करेगा जैसे फौजी खड़े होते हैं, और मैं बड़ा सा ट्रालर लूंगा मछलियों वाला, मछलियां ही मछलियां होंगे, पैसा ही पैसा होगा, और तू बस फौजी होगा, देखना तू फिर पछताएगा। हो सकता है फिर तू पछताए। ये क्या? तेरे कपड़े। तू भाग जा यहाँ से, तू पढ़ना चाहती है तो बाग के उन साहिब के पास जा और उनसे कह कि वो तुझे पढ़ाए। लेकिन अब्बा और कबीले वाले? तो किसी की फिक्र ना कर, मैं सबको देख लेगा। तू बहुत मेहनत करना, बड़ा अफसर बन के माँ के पास आना। वादा वादा। अपना ख्याल रखना। आप भी। चुप करो, चुप करो। इधर इधर, तुमने भगाया उसको, तुमने भगाया। हाँ हाँ, हमने भगाया। हम काम नहीं करूंगा, हमसे मेहनत नहीं होता है। तो ना कर, लेकिन मेरा बच्चा पढ़े। तुम बताएगा कबीले वाले को? तुम बताएगा कबीले वाले को? सबको तुम बताएगा? हम बता।
कौन बताएगा? बंद करो अपना बकवास। स्कूल में दाखिला करवा दिया है, वो जाने से पहले आप लोगों से मिलना चाहता है। जाओ बेटा। मुहूर्त का बहुत इज्जत करते हैं, मगर ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। आप सिर्फ दूसरों की औरतों की इज्जत करते हैं या अपनी औरतों की भी? ये चोरी के नहीं है। Award of prizes, the overall best midshipman and winner of Sword of Honor, midshipman Behram. Jinaab! Chota sahi to kya hua, mujhko vatan jo de sada, na koi yaari waari, na koi ghar hoga, dil ki dhadkan mein yaara, ये वतन होगा मेरा नसीब है वो सामने क्यों हो रही हैरानियां मेरे कदम पानी पे हूं नाम मेरा कहानी में बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपके बेटे ने आजाद हासिल किया बेटा ये सब आपकी वजह से हुआ है साहब। अगर आप बहराम की जिंदगी में नहीं आता तो आप अब एक नेवल ऑफिसर के वालिद हैं और एक बहुत काबिल नेवल ऑफिसर के। पाकिस्तान नेवी को आपके बेटे पर भी फख्र है और आप पर भी। बहुत बहुत मुबारक हो। मेहरबानी साहब।
यू हैव मेड अस प्राउड। यहाँ जिस भी जगह पर हूँ आपकी वजह से, यू मेड मी व्हाट आई एम टुडे सर। वेल यू ओन योर ओन यूनिफॉर्म नाउ। इस यूनिफॉर्म के साथ जो जिम्मेदारी पाकिस्तान नेवी ने तुम्हारे सुपुर्द की है, मुझे यकीन है कि तुम उस पर पूरी तरह उतरोगे। इंशाल्लाह सर। Congratulations. Thank you. You've done an amazing job. Thank you, sir. सर बन गया था। नहीं बोला। गाड़ी भी दिया तुमसे। लेकिन बचपन की तरह ना इस पे पत्थर मारना ना टायर पंचर करना। टायर भी पंचर कर दे या पत्थर भी मारे, मान छोटा भाई कुछ नहीं कहेगा। अपनी होती तो कुछ नहीं कहता। अमानत है, जान से बढ़कर हिफाजत करूंगा इसकी। बड़ी फिल्मी बातें करते हो। तो फिल्मी बातें कर रहा है। ये ले ना और रोटी ले। मैं इतनी रोटियां खाऊंगा पेट निकल आएगा। फौज में वैसे ही बुरा समझा जाता है। तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा थोड़ी सी दौड़ भाग और कर लेगा। फौज में फिटनेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, चाहे अफसर हो या जवान। बच्चा किस बात का ख्याल रखना? फिटनेस का, फिटनेस का, चाहे अफसर हो या कोई भी, फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, सेहत का। तो सेहत के लिए तो और खाना खाओ। तो क्यों बनवाया इतना सब कुछ, किसके लिए? किसके लिए मंगाया? यूसुफ ने मंगाया सब। यूसुफ बाद अमीर आदमी। वो तो है। अब मैं इन अफसरों की तरह तनख्वाह पर तो नहीं गुजारा करता। हम शादी कर दें यूसुफ की, ताकि ये भी मैं इतना गरीब हो जाए। आप तो घर भी बना रहे हैं यूसुफ अपना। अच्छा यूसुफ, तू बड़ा अमीर हो गया, जमीन भी खरीदती, घर भी बना रहा है। हुआ यूं कि सरदार ने दिया इसको सब कुछ। सरदार बात पसंद करता है यूसुफ। खबर दें कि कोयटा में चेक पोस्ट पर ग्रेनेड का हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी अहलकारों समेत 15 अफराद जहां भाग हुए हैं, और जहां भाग होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। मेरा बस सिर ना इन सबको फांसी चढ़ा। मुल्क सोगवार है। मैंने बलूचिस्तान के साथ ये हाथ किया। मुझे समझ नहीं आता इतना असला, इतना बारूद आता कहां से इनके पास। कारोबार है ये, बाकी चीजें स्मगल होती हैं, उसी तरह असला भी स्मगल हो जाता है। कारोबार है, जिन चीजों से लोगों की जान जाती है वो 4 पैसों में खरीदना कारोबार है। फौज पे तो हमला कर रहे हैं, मगर आम लोग मर रहे हैं। और जहां तक फौज का सवाल है, फौज अपनी हिफाजत कर सकती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। शहादत उसके लिए ताज है और जंग एजाज। भाई इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? खाना तो खाओ। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, मैं जज्बाती ना हूं? बाबा बेले अपना बेले, ये बात छोड़ो, सरदार बुला रहे, कब जाएगा सरदार के पास? मेरे कदम पानी पे हो, नाम मेरा कहानी में हो। हमको बड़ा फख्र है कि आज हमारे कबीले का एक शख्स
फौज में बड़ा अफसर बनकर गया है। अब फौज में हमारा कबीले का शख्स होगा तो सारे कबीले का ख्याल रखेगा। इधर नेवी का कोई कबीला थोड़ी होता है, नेवी का तो फर्ज होता है पूरे मुल्क की हिफाजत करना। हिफाजत तो वह सब करता है, लेकिन अपने लोगों का, अपने कबीले का तो थोड़ा ज्यादा ख्याल करेगा ना। बिल्कुल सरदार, नेवी के लिए पाकिस्तान पूरा एक इलाका है और ये कौम अपना एक कबीला है। मैं तो खुद नहीं जानता कि कौन अपना है और कौन पराया, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर कभी किसी ने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की तो चाहे वो इंसान मेरे कबीले का हो, मैं ना उसका साथ दूंगा ना उसे बख्शूंगा। अब वो मैंने आपको बताया था ना कि बाराम को फिल्मी बातें करने का बहुत शौक है, लेकिन अपनों का ख्याल तो रखना पड़ेगा। नेवी में जाकर अकड़ तो आई जाती है ना सरदार। बात अकड़ की नहीं है, बात तो बात इज्जत नफ्स की है, जो कि हर इंसान की होती है, चाहे वो सरदार हो या ना हो। सरदार कई गुलाम है, सारा जिंदगी तुम्हारा गुलाम रहेगा। गुलाम तो मैं सिर्फ अपने मुल्क की मिट्टी का हूँ बाबा, मेरे माँ बाप का भी नहीं, तो इन सरदार का क्यों? सरदार आप इस कबीले के बड़े हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और हमेशा करूँगा एक बड़े होने के नाते, और आपकी हिफाजत करूँगा एक नेवल अफसर के। क्या जरूरत थी सरदार से बहस करने की, वो जो कह रहे थे चुपचाप सर झुका कर मान लेते। नेवी ने मुझे सर झुकाने की तरबियत नहीं दी है, सर कटवाने की तरबियत दी है। याद है बचपन में तुम सीपियों में से मोदी ढूंढा करते? हाँ, बेवकूफी थी वैसे, मगर मैंने एक चीज रियलाइज किया, मोती ढूंढने से बेहतर है लाल बनना, माँ का भी और कौम का भी। लाल? अच्छा, उस पत्थर की बात कर रहे हो जो कीमती नायाब और सुर्ख होता है। पैसे हो तो खरीदा भी जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन खरीदने से ज्यादा दिलचस्पी मुझे लाल बनने में। नेवी ने बहुत बातें करना सिखा दी। नेवी ने मुझे मोती से लाल बनना सिखाया। लाखों हीरो में और एक लाल में बहुत फर्क होता है। उन लाखों हीरो में एक लाल लाल होता है जो कि दूर से नजर आता है और याद रह जाता है। अब तू कहेगा मैं फिल्मी बातें करता हूँ। फिल्मी बातें करने की तुम्हारी आदत हो गई, इसलिए अब नहीं कहूंगा। अरे सब लेफ्टिनेंट साहब कहां से आ गए? सुना है सोर्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद आपका दिमाग घूम सा गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ यहाँ पे। वो अलग बात है, आपने मुझे मुबारकबाद दी थी। मैं क्यों दी थी मुबारकबाद? मैंने कौन सा खाना खा लिया, कौन सी मिठाई खा ली है? तो जब आप बोले, जब आप कहें मिठाई खाते हैं, जब आप कहें खाना खाते हैं। लेकिन आप तो लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करते ना। आपसे कर सकते? मुझसे क्यों, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है।
कौन है, किससे बात कर रही हो? तुम हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी ना? अम्मा बहराम आया है, खाने की दावत दे रहा है। वालेकुम सलाम। वो मैं चाह रहा था आंटी आप सबको खाने पे ले जाऊं मैं। सबकी बात कब हुई थी? आपने तो कहा था आप सिर्फ मुझे खाने के लिए लेके जाएंगे, मुझे मिठाई के लिए दावत दे रहे थे। इसका मुझे पता है, तुम जाओ, ड्राइवर वेट कर रहा है, तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह। आओ तुम अंदर आओ। तैरते ख्वाब सारे साहिल पे आ जाए, सिपियों में छुपा जो वो हमें मिल जाए। कैसे करूं बयां क्या चाहिए छोटे से दिल को। ज़मीना रोज पूछती थी तुम्हारा कि कराची कब आ रहे हो, हमारी तरफ कब आओगे। आंटी मैं तो आ जाए हूँ और आते साथ ही सबसे पहले आपसे मिलने आ गया। तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा हुआ है, तुम्हारे पासिंग आउट में जाते हुए भी भूल गए थे ले जाना। अभी बस गाड़ी में रखवाती हूँ वरना फिर कहेगी वो मुझसे। हेलो, आपने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया? नहीं तो आपसे बात करते हुए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आपको हर चीज पहले से पता होती है। थैंक यू। ये तंज था या तारीफ? I'll just take it as a compliment. तंज मैं आप पे कर नहीं सकता और तारीफ करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। वैसे अंकल आंटी का शुक्रिया अदा कर लिया था मैंने, मैं चाह रहा था आपका भी शुक्रिया अदा कर लूं। किस बात का शुक्रिया? अगर आप एल्बम का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं तो मैं आपको इसलिए दी कि आपकी फैमिली के पास रहे, आपकी अच्छी यादें, जो मम्मा और पापा को आप तस्वीरें भेजते थे, जो खींचते थे, वो सारी इकट्ठी करती थी मैं इस एल्बम में। अरे मैं तो भूल ही गई, किस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे आप? आपसे अगर मैं 15 साल पहले ना मिला होता, 15 साल पहले अपने गेट पे रोके अगर आप मुझसे मेरा नाम नहीं पूछती तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। बहराम किसी चाय के खोखे पर होता आज। इतने सेंटिमेंटल तो नहीं थे आप जैसे आप बात कर रहे हैं। और इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर आप इतने स्मार्ट और गुड लुकिंग ना होते तो मैं आपको दरवाजे पे दोस्ती की ऑफर ही ना करती। हाँ ये बात तो है, वैसे थोड़ा सा तो गुड लुकिंग हूँ मैं, है ना? मैं आपके बचपन की बात कर रही थी, बचपन में ही थे आप खूबसूरत। वो आपको अच्छा नहीं लगता? पता नहीं, आपकी तस्वीर को देखूंगी गौर से दोबारा। तस्वीर की बजाय मिल भी सकते हैं, आप सामने बैठ के भी देख सकती हैं मुझे। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास सब लेफ्ट हैंड साहब, सारे डॉक्टर्स आप लोगों की तरह फारिग नहीं होते। पोस्टिंग कहाँ हुई है पहले? कोस्टल स्टेशन पे। बहुत दूर है यहाँ से? हाँ दूर तो है, लेकिन आपके इलाके के काफी करीब है तो आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा, मिलते जुलते रहेंगे। हाँ खुश हैं वो।
हाउस जो बहुत टफ है मेरी, घुमा के रखती है। रेजिडेंसी अप्लाई कर रही हूँ अमेरिका, आप आया करना मेरे पास। मैं क्यों आऊंगा आपके पास? नहीं, सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी, आप और आपकी वाइफ। वाइफ वाला कोई सीन नहीं है, कभी ना कभी तो होगा ना। जब हो तो आप आ जाए। क्यों क्यों देख रहे हैं? दावत ही दी है मैंने अमेरिका की। कभी आपका भी चक्कर लगे तो आ जाएगा मेरे यूनिट में। मेरा चक्कर वहां क्यों लगेगा? अब शौक नहीं रहा कोस्टल लाइंस और बीचेस का। वैसे आप गुड लुकिंग हैं। सॉरी, आप गुड लुकिंग हैं। मैं समझा नहीं। आपने खुद ही कहा था ना कि सामने बैठ के देख लीजिएगा, तभी बता रही हूँ कि अब भी आप थोड़े से गुड लुकिंग हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। आई नो, मैं काफी खूबसूरत हूँ हमेशा से। एक तोहफा है आपके लिए, मैं आया हूँ। अगर आपको अच्छा ना लगे तो बस एक्सेप्ट कर लीजिएगा, मगर प्लीज खफा मत होइएगा। ऐसा कौन सा तोहफा जो मुझे खफा कर दे? This is nice. कीमती है ना, चीप तो नहीं। ये तो आप देखकर बताइएगा। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इस तरह तोहफे देने के बजाय मुझे खुद प्रपोज कर दो। इस तरह अंगूठी देके मुझे कह रहे हो कि पसंद है तो भी बता दूं और ना है तो भी रख लूं। कोई ऐसे किसी को कैसे प्रपोज कर सकता है? ये क्या है मतलब, सीरियसली? से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। पूछना चाहिए उससे या ना पूछो अभी? तोहफा तो देख लिया होगा उसने खोलकर। मैसेज करता हूं। आपने मेरा गिफ्ट देख लिया है क्या? नाम मेरा कहानी में हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मामा और बाबा से मिलने आए होंगे, वो घर पे नहीं। जी वो मुलाजिम ने बताया मुझे। तो कुछ नहीं, माजरत करने आया था आपसे। तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, या तो आप शुक्रिया अदा करने आ जाते हैं या माजरत करने आ जाते हैं। किसी और काम के लिए नहीं आ सकते आप? किसी और काम के आने के लिए आपने मौका ही नहीं दिया। या तो मैं बेवकूफ हूँ या आप जरूरत से ज्यादा ही चालाक। मैं समझा नहीं। देखिए मैंने आपको कहा था अगर आपको मेरा तोहफा बुरा लगे तो तोहफा समझ के रख लीजिएगा, बस कुछ और मत समझिएगा। कुछ और क्यों समझूंगी मैं, और उस डॉल्फिन को करूंगी क्या मैं? हाँ, और डॉल्फिन देता कौन है किसी को तोहफे में? डॉल्फिन? मैंने कोई डॉल्फिन नहीं दिया आपको। बाप झूठ बोलेंगे। आपको लगता है कि ये दिया ये डॉल्फिन है? डॉल्फिन कोई अंगूठी नहीं। This is ridiculous. ये डॉल्फिन नहीं, सबमरीन है। क्या बकवास कर रहे हो? थोड़ा बहुत मजाक करने से भी हर्ज तो नहीं होता ना? Once a sailor, always a sailor. मैं इसको तोहफा समझूं या फिर? Yes, please. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Please have a seat. Welcome to the unit. Thank you, sir. Gentlemen, this unit is your new home and your new family. You have to serve this unit not like an officer, but like a family member. I will, sir. Aapko is qaum ne is mulk ki samundari aur saheli hudood ki difa ki zimmedari sonpi hai. Aur is mulk ki समुंदरी और साहिली हुदूद की दिफा अब आपको अपनी जान देकर भी करना है। यस सर। नेवी इज मल्टी डायमेंशनल फोर्स। हम पानियों के दुश्मन से खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। यस सर। हम जेरे आपकी दुश्मन के रास्ते में लोहे की दीवार बनकर खड़े। यस सर। दली पानियों में भी दुश्मन हमें मौजूद पाएगा।
हम इस समंदर के ऊपर फैले आसमानी हदूद के भी निगेबान हैं। दुश्मन की चिड़िया भी हमारे होते यहाँ पर नहीं मार सकते। इस मुल्क के लिए जान लेना फर्ज है और इस मुल्क के लिए अपनी जान देना हम पर फर्ज। यस सर। से इत्तला मिली है कि एक ट्रॉलर असलहे की बहुत बड़ी खेप लेकर समंदर से गुजर रहा है। हमारे जहाज ने इस ट्रॉलर को आइडेंटिफाई करते हुए इंटरसेप्ट करना है और अपोज बोर्डिंग के लिए तैयार रहना है। सो हमारी बोर्डिंग टीम शुड बी रेडी। बोर्डिंग करते हुए हमें बहुत एहतियात करनी है। ऑपरेशन की सपोर्ट के लिए हमारा सीकिंग हेलीकॉप्टर इन एयर होगा जो स्नाइपर कवर देगा। सो आर वी रेडी? यस सर। ओके, मे अल्लाह बी विद अस ऑल। Captain? Sir, there is a fast moving contact on bearing 0-0-8-10 nautical miles, sir. Roger. This is Shark. Target sighted. Bearing 230 range, 6 nautical miles, speed 15 knot. This is Captain, go ahead. Sir, the target has 7 tangos, apparently heavily armed. Roger. Romeo 2, provide fire! Sir, this is Black Zero. Alpha team on board receiving enemy fire. Two tangos down, Black Zero. This is Shark 2. Tango dumping weapon in sea on starboard side. Roger. Move! All clear, sir. All clear. I repeat, all clear, sir. Paran? So... हमारा भाई है। तो ये तेरी कामयाबी, तेरा सरमाया। मेरा भाई है, मुझे बचाएगा। यूसुफ गन नीचे कर। ये सब तू रख ले, मुझे जाने दे। मैं इन सबको मार भी दूंगा, तू फिक्र ना कर। नेवी वालों को पता भी नहीं चलेगा, तू बस मुझे जाने दे। अफसोस होता तेरी सोच पे। सर्वे सही है, मेरी नेवी है, मेरे अपने लोग हैं, खून है मेरा, कोई कारोबार नहीं है। कौन
मैं गोलू अपनी चिकन में गोली चला दूंगा मैं गोली चला दूंगा क्यों से मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ कन्नी चिकन तेरे से नहीं हो पाएगा भाई है ना तू ऐसा कर तू इनको मार दे मेरे को इनको मारने दे मुझे मैं दोबारा नहीं बोलूंगा कन्नी चिकन मैं गोली चला दूंगा इनको मारने दे कन्नी चिकन गन नीचे कर मैं बार बार नहीं बोलूंगा गन नीचे कर ये तेरे से नहीं बोलूंगा बुझते ले तू बुझते ले कैसे मारेगा तू अपने भाई को इस मुल्क के लिए जान लेना फर्ज है और इस मुल्क के लिए अपनी जान देना हम पर तेरे से नहीं हो पाएगा अजनबी से लगते हो बचपन का साथ था यारी पे यारा तेरी कितना ईमान था वक्त कहाँ ले आया ये वास्ते जो हो रहा है यारा सब ख्वाब थे Three tango down. Two injured. Mission accomplished, sir. मां ठीक बोलता था तो मां का लाल है इस कौम का लाल है मां
आए कैसे करूं बयां ना क्या चाहिए छोटे से दिल को सब चाहिए जज्बा मेरा फानी ना हो नाम मेरा कहानी में वाले जूते कहाँ से मिलते हैं ये खरीदे नहीं जा सकते पढ़ लिख कर मिलते हैं तुमको चाहिए छोटा सही तो क्या हुआ मुझको वतन जो दे सदा ना कोई यारी वारी ना कोई घर होगा दिल की धड़कन में यारा बस ये वतन होगा मेरा नसीब है वो सामने क्यों हो रही हैरानियां मेरे कदम पानी पे हूं नाम मेरा बचपन का साथ था यार